बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। नाजरीन किराम, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जो है जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा से आ रही है, जहां पे एक तसदुम आरआई जो है अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शुरू हो चुकी है, जिस दौरान बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर के दौरान अब तक एक अस्करियत पसंद के जाँ बाँक होने की इत्तला मौसूल हो रही है। मज़ीद तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कराने के लिए जुनूबी कश्मीर के हमारे नुमाइंदे शाबिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। शाबिर, बताइएगा कि ये जो गन फाइट शुरू हुई है कब शुरू हुई और क्या कुछ तफसीलात इस इनकाउंटर के हवाले से मौसूल हो रही है? जी मंजूर साहब, अभी अभी जनूबी कश्मीर के वहीबुग डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक एरिया वहीबुग के नाम से आना जाता है, वहां पर अभी अभी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान अभी अभी झड़प शुरू हुई है। और ये झड़प तब शुरू हुई जब फोर्सेस को इस वहीबुग एरिया में कुछ दो से तीन मिलिटेंटों के की मौजूदगी की खबर मौसूल हुई, तो उसके फौरन बाद उस एरिया को पूरी तरह से कार्डन में ले लिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसके नतीजे में वहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प शुरू होती है, जो झड़प अभी तक चल रही है। और पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी तक एक मिलिटेंट जो है उसको जान भर किया गया है। इस हवाले से बताइएगा कि ये जो अस्करियत पसंद इस इनकाउंटर के दौरान जाबाक हुए हैं, इसकी क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, क्या जो शिनाख्त हुई हैं इस अस्करियत पसंद की वो सामने आ रही हैं, और ये भी वाजह कीजिएगा कि पुलिस ने क्या कुछ बताया है इस हवाले से। जी मंजूर साहब, अगर पुलिस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो आईजीपी कश्मीर ने अभी अभी ट्वीट किया है और उसमें एक मिलिटेंट के होने की खबर दी है। उस मिलिटेंट का नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो श्रीनगर में रिसेंट किलिंग्स जो हुई है उसमें वो इस पाया जाता है। ये भी बताइएगा कि जो इलाका है इस वक्त, जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा कि दो से तीन अस्करियत पसंदों के छुपे होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, तो क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त बनी है, सूरत हाल के हवाले से भी आगाह कराइएगा। जी मंजूर साहब, अगर इस वक्त सूरत हाल की बात करें तो अभी जो है वो उस एरिया को पूरी तरह से इस वक्त भी वो मुहासरे में है और गोलियों का तबादला अभी चल रहा है, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है। बस यही खदशा है कि दो से तीन मिलिटेंट के छिपे जाने की खबर वहां पर मौसूल हो रही है। अभी तक एक मिलिटेंट को जामबा किया गया है और मजीद एक से दो मिलिटेंटों के छिपे जाने की खबर अभी मौसूल हो रही है। तो अभी तक जो है एनकाउंटर वो चल रहा है, गोला बारी दोनों तरफ से चल रही है, थोड़ा रुक रुक के अभी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाबिर हुसैन, आपका तमाम तर तफसीलात से आगाह कराने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये अपडेट जो है इस वक्त जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मोरक्का आराई शुरू हुई और इस मोरक्का आराई के दौरान एक अस्करियत पसंद के जहाँ बाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। ताहम इनकाउंटर अभी जारी है और गोलियों का तबादला जो है वो भी जारी है, और मजीद जो भी तफसीलात होंगी वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।